बिना एटीएम कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के फोन पे में अपना अकाउंट किस तरह से बनाए। जी हाँ गाइस, क्या आप भी यही सोच रहे हैं और क्या आप भी बिना एटीएम कार्ड के फोन पे पर अकाउंट बनाने के लिए चाह रहे हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा न्यू मेथड बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो बिना एटीएम कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के फोन पे में आप अपना जो है अकाउंट, यानी कि फोन पे में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी बिना एटीएम कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के, बिना क्रेडिट कार्ड के फोन पे में अपना अकाउंट बनाने के लिए चाहते हैं, यानी कि फोन पे को यूज करने के लिए चाहते हैं और जो है पैसे ट्रांसफर वगैरह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में जो है एटीएम कार्ड नहीं है, तो बस गाइस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। और हाँ, जिस मेथड को मैं आपको बताने वाला हूँ बस जो है उसी मेथड को अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है बिना एटीएम कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के फोन पे में अपना अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे फोन पे लिख के सर्च कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने फोन पे लिख के जो है सर्च कर लिया है, और सर्च करने के बाद में सबसे पहले आप जो है यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फोन पे को ओपन करने के बाद में आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। अब देखिए बैंक का अकाउंट से जो नंबर लिंक है आप उसी फोन नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं उसी फोन नंबर को डाल देता हूँ। ओके, तो फोन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखिए प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में उसी नंबर पे जो है ना चार कोड आएगा, चार नंबर का, तो उसी कोड को यहाँ पे डाल देना है, यानी कि ओटीपी आएगा उसको डाल देना है। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद में आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देना है। देखिए लॉग इन पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने में इस तरह से इंटरफेस आ जाते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ से जो है ना असर खाने शुरू होता है कि आप जो है बिना एटीएम कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के फोन पे में अपना अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, फोन पे में अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे ऊपर में देखिए आपको जो है प्रोफाइल दिख जाएगा, आपको उसी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको जो है क्या करना है इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ, एड न्यू बैंक अकाउंट, तो आपको जो है एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसी एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको सब अकाउंट दिख जाएंगे, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उसी बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं उसी बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में गाइस अब देखेंगे कि ये वाला बैंक अकाउंट जो है ना यहाँ पे ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिसेट पिन का भी ऑप्शन आ चुका है, और हाँ गाइस आपका आधार नंबर जो है मोबाइल नंबर से लिंक रहना चाहिए, तभी जाके ये वर्क काम करेगी। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड का जो है ये नंबर मांग रहा है, लेकिन हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो चलिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेप्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात याद रहे कि आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर जो है लिंक रहना चाहिए, उसके बाद में जो है जाके ये काम करेगा। ठीक है, देखिए अब जो आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का शुरू का 6 नंबर डाल देना है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड जो है वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको जो है शुरू का 6 नंबर डालना है, और नंबर डालने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एलो कर देना है। उसके बाद में जो है ओटीपी आएगा, जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन लेगा, अब जो यहाँ पे आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं और पूरे काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आपने देख लिया कि बिना एटीएम कार्ड के, बिना क्रेडिट कार्ड के यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया है। चलिए गाइस मैं आपको जो है ना किसी को पेमेंट भी करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं 2 मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ, फिर जो है यहाँ पे मैं किसी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं किसी का नंबर जो है सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये नंबर जो है सर्च कर लिया है। अब देखेंगे कि इसको जो है मैं 10 रुपये का पेमेंट करके दिखाता हूँ अभी आपके सामने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने 10 रुपये डाल दिया है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने पिन डाल दिया है, और जो अब आप देखेंगे कि सक्सेसफुली जो है यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे में सिर्फ आधार कार्ड से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है। तो गाइस अगर फिर भी यहाँ पे आपका
बिना एटीएम कार्ड का अकाउंट ऐड नहीं होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको सिंपली क्या करना है, इजी ट्रिक्स, आपको अपना बैंक अकाउंट जाना है और वहां पे जाके जो है उनको फोर्स करके उनसे अपना एटीएम कार्ड मांग लेना है, इसलिए कि आपका एटीएम कार्ड जनरेट हुआ रहता है, सिर्फ आपको मांग लेना है, ठीक है। देखिए गाइस ये सब झमेला में आप मत पड़िए, ये सब जो है कभी यहाँ पे बनता है अकाउंट बिना एटीएम कार्ड का, कभी नहीं बनता है, जो है आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट क्यों करेंगे, इसलिए बेहतर है अगर आपके पास में एटीएम कार्ड रहेगा तो जो है यहाँ पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जो है मैं आपको यही बताऊंगा कि जो ट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया है, अगर ये ट्रिक्स काम नहीं करता है तो आप ये सब झमेले में मत पड़िए, ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो मत देखिए, आप सीधा बैंक में जाके जो है अपना ले आइए एटीएम कार्ड, फिर उसके बाद में आप आसानी के साथ में सब कुछ यूज़ कर सकते हैं।